Yes. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضرت پیر طریقت مجمع البحرین محبوب بارگاہ سید الکونین معزز مقتدر محترم میرے اور آپ کے انتہائی مشفق اور دعا گو حضرت پیر صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ مجدیہ بغار شریف مقتدر معتبر محترم منور علماء کرام آپ تمام میرے ہم سفر احباب گرامی وقار میں بھی آپ نے ایک حسین شریعت اور طریقت ظاہر اور باطن کے فیضان سے بھرا ہوا خطاب مستطاب اپنے دلوں میں جلوہ گری کرتا ہوا سنا اور اپنے دلوں میں ایک بھرپور انقلاب محسوس کیا میری ایک نظر آپ کی طرف تھی اور ایک نظر ان کے رخ تاباں پر پھر ایک نظر گھڑی پر میں سوچتا تھا کاش میری قدرت ہوتی تو میں وقت کی رفتار کو روک لیتا اور یہ رحمت کی برسات میں تسلسل یوں ہی قائم رہتا میں صرف اظہار تشکر کے لیے اٹھا ہوں بہت دور سے آپ لوگ تشریف لائے اور نزدیک سے بھی کتنی دیر سے اس وقت تک تشریف فرما ہیں بڑے اطمینان بڑی راحت بڑے پیار بڑی سنجیدگی اور بڑی محبت کے ساتھ آپ نے لمحہ لمحہ اپنے دلوں میں جذب کیا ہے یقیناً اس کا اجر عند اللہ و عند الرسول محفوظ ہے وہ یہاں بھی ملے گا اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی ضرور عطا ہوگا میں علماء کرام کی ایک خوبصورت قطار دیکھتا ہوں اور پھر آپ حاضرین معززین کا یہ اجتماع دیکھتا ہوں محسوس کرتا ہوں کہ ایک ہی تو دل ہے کس کس کو دوں اور ظفر کا ایک شعر مجھے یاد آیا حضور قبلہ ایک دل ہے اس کو دیجئے کس کس کو ہے ظفر یہ دل کہاں لے جاؤں کس کو دوں ایک دل ہے اس کو دیجئے کس کس کو اے ظفر آتے نظر ہیں سینکڑوں دل بر نئے نئے اسے دے دوں پھر دوسرا نظر آتا ہے نہیں اسے دے دوں پھر میں کہتا ہوں اس طرح بھیج دوں دل نہیں ادھر بھیجو پھر میں نے سوچا پیچھے بھیجو پہلی صف میں تقسیم کروں اپنا دل کہاں لے جاؤں فیصلہ یہی ہوا کہ یہ دل نہیں تقسیم ہو سکتا سب کو اٹھاؤ اور اپنے دل میں بسا تو یوں میری اور آپ کی درد بری رفاقتوں کا سچائی پر محمول دوستی کا ایک زمانہ ہے جو گواہ ہے اور آپ لوگوں نے ہر قدم پر
अपनी मोहब्बत, अपनी सच्चाई और अपनी रफाकत से मुझे हौसले फराहम किए हैं, और मुझे जब कभी सजदा शुक्र अदा करने का मौका मिला और दामन दिल बिछा कर भीख मांगने का मौका मिला तो अपने लिए कम और दोस्तों के लिए ज़्यादा ही कुछ भीख मांगने का मज़ा आया। हज़रात गिरामी, मैं लंबी तकरीर नहीं करूँगा, बस इज़हार तशक्कुर कि वो जुमले तलाश कर रहा हूँ कि मुझे दो चार जुमले मिल जाएं कि मैं आपके एहसासात की तर्जमानी में कामयाब हो जाऊँ। मेरे मुशफिक उलमाए किराम, मैं आपकी दुआओं का ममनून, आपने हर कदम पर मुझे हौसले फराहम किए हैं। आप हजरात ने मेरी हर सदा पर लब्बैक कहकर राय हक पर बड़ी मतानत से कदम उठाए। दीनार बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आप हज के लिए जा रहे थे, जाड़े का मौसम था, तो एक आतिशप्रस्त के मकान के करीब से गुजरे तो वो बर्फ की सतह दबा रहा था, तो आप जाके करीब खड़े हो गए। फरमाने लगे, मैं जानता हूं कि तुम आतिशप्रस्त हो, तो ये क्या फेल तुमने इख्तियार कर रखा है? अर्ज करने लगा, मेरी आदत है, मामूल है कि मैं चिड़ियों को दाना दुनका फेंकता हूं तो सुबह सवेरे चिड़ियां आती हैं, तो मुझे कोई जगह नजर नहीं आती तो इसका सरफेस दबा रहा हूं ताकि जब मैं दाने फेंकूं तो वो आसानी से चुग सके। आपने बिला तामुल इरशाद फरमाया कि ये जो कुछ तुम कर रहे हो इस हरकत को वो नहीं देखता, बस इतना ही फरमा, इस हरकत को वो नहीं देखता जब तक अंदर ठीक ना हो, उसकी नजर नहीं लगता। अच्छा, खामोश हो। ये क्या के हजरत दीनार बसरी रहमतुल्लाह अलैह आगे गुजर गए, वो उसी तरह मैं भी हैरत खड़े खड़े, आखिर उसकी जबान से एक आवाज, एक सदा निकली, एक कोनेन के मालिक, तेरा एक बंदा कुछ कह गया है, क्या इस काबिल हूं कि तू कभी मुझे देख ले? कभी तो देख लिया। इस दर्द से सदा बुलंद हुई कि आतिफ गैबी ने आवाज दी कि 70 साल मैंने तुम्हें नहीं देखा, आज देख लिया तू। कैफियत बदल गई, हालत बदल गई, खसलत बदल गई, मिजाज बदल गया, इस मिजाज पर मालिक का राज कायम हो गया। अर्ज की, मौलाए जुलजलाल, मैं तो समझता हूं कि बस बात बन गई, लेकिन मैं दीनार बसरी को कैसे समझाऊंगा? वो तो पहुंच गया होगा। अल्लाह ने फरमाया, मैं तो तेरा ही बंदोबस्त करता, फरिश्तो जाओ इसे गुसल का तरीका बताओ, एहराम पहनाओ, ए जमीन तू जरा फासले अपने कम कर, सिमट जे, सिमट जा, हवा इसे उठाओ और सेने हरम में बैठाओ। वो शख्स इस कैफियत से दो चार, नूर में डूबा हुआ, सरूर में हिचकोले खाता हुआ, काबे शरीफ के सामने जा खड़ा हुआ तो आप शुरू कर दिया। दीनार बसरी की एक नजर उठती है और गौर से देखते हैं तो आप सफों से गुजरते हुए उसके करीब आके बाजू पकड़ते हैं, कलाई थामते हैं, फरमाया तुम वही हो, तुम वही हो? नहीं, मैं वो होता तो वही होता, वो नहीं, मैं वो होता तो वही होता। तो फिर क्या हुआ? बस आपके आने के बाद देख लिया उसे, फरमाया अच्छा तुम तवाफ करो, तुम तवाफ करो, मैं पूछता हूँ अपने मालिक से, उसके बगैर तवाफ नहीं कर सकता। मकामे इब्राहिम से पीछे जाके सर सजदे में रख के अर्ज करते हैं, अल्लाह करीम एक चिल्लू भर दाने चिड़ियों को खिलाए, तू इतना मेहरबान हो गया उसको, आज ये कर्म का सिलसिला इतना वसी कैसे हुआ? अल्लाह ने फरमाया दीनार बसरी, इस एक बात पे हैरान हो गए हो तुम कि चुल्लू भर दाने पर मैं राजी हो के उसे सेने हरम में ले अपना महरम में राज बना दिया,
ये बात हैरत की नहीं, हैरत इस बात की है कि मैंने सौदा इतना सस्ता रखा है, गाहक फिर भी नहीं मिलते। सौदा इतना सस्ता है, गाहक तलाश कर रहा हूं। हज़रते गिरामी, एक वक्त होता था लोग मारे मारे फिरते और दिल की दुनिया संवारने के लिए कोई आस्ताना तलाश करके वहीं मोतकिफ हो जाते थे और फैज लेकर उठते थे। मैं अपनी तरफ से एक बात कहने लगा हूँ कि जो जो क़यामत करीब आएगी ना, तो ज़मीन अपने ख़जाने उगल देगी। तो हर चीज जो दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजी है, इसने जाहिर होना है। तो जिस तरह कुर्बे क़यामत के वक्त ज़मीन में दफीने निकल के बाहर आएंगे, सूफिया के सीनों से भी माल निकल निकल के आवाम में तकसीम होना शुरू हो जाएगा। देखते नहीं हो कहाँ से तशरीफ लाए और कहाँ पैमाना बदस्त गली गली दिलों को मुनव्वर फरमाते चले जाएंगे। मेरा तो ये ख्याल है कि एक दिन में एक जगह उर्स क्यों हो, हर रोज एक मजलिस यार सजनी चाहिए, हर रोज जिक्र यार की बज़्म सजाई जानी चाहिए और मुतवाले दर्द दिल वाले ये जिक्र यार से सोई हुई किस्मतों को जगाने का फरीजा अदा फरमाते रहें। हर शहर में, हर कूचे में, हर घर में जिक्र महबूब सजाई जानी चाहिए। मैं ममनून हूं इस कमेटी का, कमेटी के अफराद का, यहाँ के रहने वालों का, दूर नज़दीक से आने वालों का ममनून हूँ कि एक फकीर की आवाज पर किस मोहब्बत का इजहार फरमाया आपने, किस प्यार से आप यहां तशरीफ लाए। एक मुख्तसर सी खबर पर आप चले आए हैं, वो कैफियत आपके अंदर जो है वही मेरी है, वही आपकी है कि कोई किसी ने जिक्र यार अल्फाज में सुनाना है, उसकी जबान काम करेगी और किसी का कान और दिल मुतवज्जे होकर दोनों की हाजिरी बारगाह अक़दस में बयक वक्त लग जाए। हजरात गिरामी, हुजूर क़िबला आलम, हुजूर क़िबला पीर सानी साहब, ये दोनों सगे भाई मोड़ा सीफ से इन्होंने फैज़ लिया, इन्होंने सारी सारी रातें जिक्र में गुजारी, भूख भी आई, प्यास भी आई, अदावतें भी झीली, हर मुसीबत से इन्होंने अपना हिसाब पूरा किया, लेकिन हार नहीं मानी। बल्कि मोड़ा सीफ एक बुज़ुर्ग गए आपके पीर भाई, तो जाके कहने लगे वो जिन पठानों गजनी वालों को आपने उस जंगल में बिठाया है, उनके चूल्हे में आग भी नहीं जलती। तो दूसरे दिन ये पहुंच गए तो बड़े बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, सुना है, तो वो ये गजनी वाले मशहूर थे, गजनी वालों सुना है आपके चूल्हे में आग नहीं जलती। तो जब वक्त बराबर होते हैं तो अल्फाज भी हो खुदा खुद अता फरमाते, फौरन मुंह से बात निकली, जो आग आपने जलाई है उनको बुझ सकती है, गर्म है आग, बड़ी गर्म। बस उसी रात आपने फरमाया अब दोबारा आओ या ना आओ, मैंने तुम्हारे हशर तक के सिलसिले दुरुस्त फरमा दिए। हज़राते गिरामी, ये उन दुआओं का नतीजा है कि आज हमें इस्तेकामत मिली है, जिक्र की तौफीक मिली है, मोहब्बत की सौगात मिली है, ये दर्द दिल में यसर आया है। जिन जिन हजरात को दर्द दिल की दौलत में यसर आई, उसकी हिफाजत करो, और जहाँ इस किस्म की दुकान नज़र आए कि दर्द में इजाफे का सबब बने, वहाँ ज़रूर पहुँचो और उसे अपने पीर का एहसान समझो। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन देलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप पालकी में बैठे हुए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक कलंदर आया, उसने एक से कहा कि आप उठाएं अपना कंधा, मैं कंधा देना चाहता हूं। तो उनकी तकरीबन 5-10 साल से मंजिल रुकी हुई थी, कब्ज़, सूफिया का एक मकाम है, कब्ज़ व बस्त की एक तसव्वुफ़ में एक ताबीर मौजूद है इसकी। तो वह हालत कब्ज़ में थे रूहानी तौर पर, तो जो ही आपकी पालकी को आपने कंधा दिया तो कोई 100 गज ही गए होंगे तो इनकशाफ हो गया, पर्दे खुल गए। तो आपने फरमाया सूफियो संभालो पलकी, संभालो मैं जान लगा जी, पकड़ो मैं छोड़ लगाने आओ पकड़ो। जल्दी जल्दी वो आया, उन्हें कंधा दिया, हट के अपने शेख की
तरफ मुंह करके कहने लगे, शुक्र है कि आपने अपने हम पाया वली की मौजूदगी में मेरी मुश्किल आसान कर दी। जनाब निज़ामुद्दीन देहलवी अलैहि रहमा ने फरमाया, उतारो पार के नीचे, तो आपने फरमाया कि अदब सीखना है तो इसे सीखो। ये तरीकत का दर्स है, जिस शेख के पास बैठो जो मिले मोहब्बत से कबूल करो और यही कहो कि इस शेख ने मेरे शेख की इज्जत की खातिर मुझे ये फैज दिया, ये वसीला है, फैज उनका है। तो ये बाहमी सिलसिले हैं हुजूर की बारगाह तक कुर्ब की ये मंजिल हासिल करने के। मुझे और आपको अल्लाह ताला इस्तेकामत अता फरमाए। बड़े मुश्किल दिन हैं, इन मुश्किल दिनों में चिराग़े मोहब्बत जलाओ, इन दिलों में इश्क की चिंगारियां सुलगाओ। जब तक दिल जलेगा नहीं उस वक्त तक मंजिल नहीं मिलेगी। दोस्तों देखिए ना कि मैं ये आखिरी जुमले अर्ज करता हूँ बिला तरतीब, कि मैं किसी दोस्त को दूध पानी चाय और शक्कर ये चार चीज़ें एक गिलास में डाल के दे दूँ कि लो पियो। चाय में यही चीज़ें हैं ना, दूध है, पानी है, शक्कर है, चाय है, पत्ती पियो। कोई नहीं पिएगा, बल्कि देने वाले को लेने वाला नफरत समझेगा, कोई दीवाना है। लेकिन उसी को उबाल के दो तीन मरतबा हवाले करे तो हर आदमी कबूल कर लेता है। आग ना दिखाए तो कोई कबूल नहीं करता, लेकिन दो जोश आ जाए तो हर आदमी कबूल कर लेता है। आप सब कुछ इसे जब तक इश्के रसूल की आग में जलोगे नहीं उस वक्त तक कबूलियत नहीं हो सकती। और कच्चे बर्तन में कोई आदमी कीमती चीज नहीं रखता, पक्के बर्तन वो भी ठोकर लगा के देखते हैं तो फिर उसे संभाल के घर रखते हैं। जब तक इश्के रसूल में दिल नहीं जलेंगे ये नहीं पकते, और जब तक नहीं पकेंगे नूर नहीं अंदर आएगा। और इसको आसान तरीका है कि अदाए रसूल में डूब डूब कर पिछली रात सजदे करो और दिल को गफलत से बचाओ। बस सबसे बड़ी दौलत है जिक्र करो, जबान से, दिल से, रूह तन मन से अल्लाह का जिक्र जारी रखो। बहुत वक्त हो गया है, 9:45 हो गए, नमाज इशा का वक्त भी होने वाला है, आपने लंगर भी तनावुल फरमाना है और आपने दूर दूर जाना भी है। इस मस्जिद की जिम्मेदार अंजमन ने, सदर मुख्तरम ने और मस्जिद की कमेटी ने खूबसूरत अल्फाज में एक दरख्वास्त की है। मुझे ज़ाती तौर पर यह बात पसंद आई है कि यहाँ कार पार्क के सिलसिले में उन्होंने अपने दोस्तों अपने भाइयों से नबी पाक के दीन से प्यार करने वाले मसाजिद आबाद करने वाले ईमान वालों से मदद तावन की दरख्वास्त की है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा काम है। कौन सी वो मस्जिद होगी इस इंग्लैंड में और पाकिस्तान में जहां इंग्लैंड वालों के पैसे नहीं लगे। ग्लासगो से लंदन तक एक शहर के पैसे दूसरे शहर में, दूसरे के तीसरे में, चौथे के पांचवें शहर में, थोड़ा 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 खुदा लेता ही है। ज्यादा एक आदमी से कभी उसने मुतालबा नहीं किया कि तू 50,000 ही दे, 5 पाउंड दे, तो वो खुदा फिर राजी हो जाता है। देता भी खुद है और मांगता भी खुद है, थोड़े थोड़े वसूल करता है, इसलिए ताकि सबका हिस्सा हो जाए और सबको आसानी से मगफिरत नसीब हो जाए। ये मसाजिद बख्शिश का ज़रिया हैं, असबाब हैं। आप तमाम दोस्त यहाँ इस मस्जिद में जो तशरीफ़ रखते हैं मेरे समेत, आप सब इसमें हिस्सा डालें ताकि फिर मैं थोड़ा सा जिक्र कराऊँ, उस जिक्र के बाद फिर दुआ के लिए सिलसिला। मैं मुख्तसर सा अपनी तरफ से 100 पाउंड जमा कराता हूँ इस फंड में। बस 5-5, 10-10, 20-20 जितने दें इनकार नहीं है, लेकिन लाएँ। 26 आपने कमेटी वालों की मुखलिसाना दरख्वास्त पर 2600 पाउंड अता फरमाए हैं। मेरे
सो और इसलिए नहीं दिया कि आइंदा साल यहाँ फिर उर्स होगा, तो मैंने समझा कि अगर मैं दबाव दिया तो आइंदा साल आप शायद ना आए, इसलिए बात आपकी मर्जी पर छोड़ी है। फिर भी आपने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने पहले ही इस मस्जिद के लिए आपकी जेब में पैसे रखे हुए, और वो रकम देने में आपने जिस मोहब्बत और अदब का मुजाहरा, तामीर इरशाद का मुजाहरा किया है, ये ईमान वालों की एक खूबसूरत आदत भी है और आपका हिस्सा भी। अब इस वक्त तक 30 खत्मे कुरान पाक, 272 मरतबा सूरह यासीन, ये हाजी मोहम्मद जमान साहब डटफोर्ड वाले उनकी जानिब से, और दुआओं के लिए ये पर्चियाँ काफ़ी सारी मौजूद हैं। 2000 मरतबा दुरूद शरीफ गालिबन चौधरी फजला साहब शफील्ड वाले उनकी जानिब से। जिन जिन हजरात ने कुछ पढ़ा हो तो आप मेरी मिल्क कर दें। 2 कुरान पाक, 5 कुरान पाक, 25,000 मरतबा कलमा, 8 पारे, 10 पारे, असमतुल्ला साहब 10 पारे, माशाल्लाह 4,000 मरतबा, 1 कुरान पाक, 1 कुरान पाक, 1 कुरान, 5 माशाल्लाह। अब इस तसद्दुक साहब बोल्टन से 5 कुरान पाक पढ़ कर, 1 कुरान पाक माशाल्लाह, 1 कुरान पाक माशाल्लाह, जी बेहतर, 1 कुरान पाक, 5 पारे जी, 1 कुरान पाक, कुरान तो अल्लाह का है लेकिन पढ़े तुम 2 कुरान पाक, अच्छा 2 कुरान पाक, 5 है पाक जी, 2 कुरान पाक, 2 कुरान पाक। हज़रते गिरामी, मैं बहुत बातें कुछ कहना चाहता था लेकिन मैंने छोड़ दी हैं, ताकि किबला पीर साहब ने जो मिठास तकसीम की है उसकी लज्जत बहुत देर तक रूहों में बाकी रहनी चाहिए। यार जिंदा, सोहबत बाकी, आइंदा साल अल्लाह ने चाहा तो ये अंजमन यारा फिर कायम होगी और ज़िक्र महबूब से महफ़िल फिर सजाएंगे कि गुलदस्ता यूं ही रहे और जन्नत की हवाएं लगती रहें मदीना तैबा से। सहरी के वक्त चलने वाली बाद नसीम के झूके यहाँ पहुँचते रहें। मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि सहरी के वक्त बाद नसीम के झूके चलते हैं, जिसके तस्के अक्सर किताबों में, तो वह जिस कली में फूल बनने की सलाहियत हो वो सहरी के वक्त, वो जिस जिस तरफ से बाद नसीम के लतीफ़ झूके गुजरते हैं, कली रात को कली और सुबह फूल होता, इस तरह आपके पहलू के अंदर भी एक कली मौजूद है। मदीना तैबा से, गुंबद खजरा से एक नबुवत की हवा चलती है। सहरी के वक्त बेदार दिल, बेदार दिमाग, बेदार रूहें जब इस इंतजार में होती हैं तो वह झुंके करम के जिस रास्ते गुजरते हैं दिल को भी अरशुल्ला बना के गुजर जाते हैं। नवाफिल की कसरत करो, ज़िक्रुल्लाह की कसरत करो, पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगो, आने वाली ज़िंदगी में नेकियां जमा करो, अल्लाह और उसके महबूब की बारगाह में इज़्ज़त और अज़मत हासिल करो, अपने शेख के बताए हुए वज़ायफ़ और मामूलात पर पाबंदी करो और इस्तेकामत इख्तियार करो। सब बुजुर्गी, जितनी भी बुजुर्गी है ना, करामत और बड़ी बड़ी दुर्वेशी की कहानियाँ, इन सबसे बड़ी चीज़ है दीन पर साबित कदम रहना, शरीयत पर साबित कदम रहना, और गुनाह से तोबा करना कोई कमाल की बात नहीं है। ये मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूं कि नेकी करना कमाल की बात नहीं, और गुनाह छोड़ देना ये कमाल की बात नहीं है। सारी जिंदगी नेकी में कमी ना आए और एक दफा गुनाह छोड़ने के बाद सारी जिंदगी गुनाह का इर्तकाब ना हो, यह कमाल की बात है। एक दफा छोड़ना फिर करना छोड़, यह नहीं अच्छा। बाहर कैफ रजू करो अपने अल्लाह की तरफ नबी पाक के वसीले के साथ, ताकि खुदा आपसे और मुझसे राजी हो। थोड़ी सी ज़र्ब लगाओ, इस दिल को हमवार करो, रहमतों के नजूल के लिए असबाब मुहैया करो, फिजाएं दुरुस्त करो ताकि रहमत नजूल हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह।
इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह 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 Allahu, 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 हज़रते गिरामी, मैं दुआ के लिए हाथ उठाने से पहले फिर उन दोस्तों का जिन्होंने ये इंतज़ाम किया है, खलीफा मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब, उनके तमाम साथी, अपने हाजी मोहम्मद जमान साहब, तमाम साथी जितने भी हैं, किसके नाम लूँ, बार कैद, इन दोस्तों ने उसका इंतज़ाम किया। थोड़े वक्त में दोस्तों को दावत दी, हज़रत पीर साहब को मदो किया और मुझे शरीक बज़ में मोहब्बत किया। आइंदा ये मामूल इंशाल्लाह जारी रहेगा, जहां अल्लाह को मंजूर होगा वहीं होता रहेगा यह सिलसिला। पहले हफ्ते में बगार शरीफ हम नजराना अकीदत पेश करेंगे और दूसरे हफ्ते में हम नहरिय शरीफ अपना नजराना मोहब्बत पेश किया करेंगे। ये मामूल हमेशा इसी तरह अब जारी रहेगा। इसी तरह 22 तारीख को हज़रत पीर साहब सज्जाद नशीन बगार शरीफ 22 तारीख को नॉटिंगम तशरीफ ले जाएंगे और असर ता मगरब वहाँ आपका खिताब होगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी उस जश्न बरसात मोहब्बत में मैं भी शरीक हो सकूँ। बाहर कैफ जिन जिन दोस्तों को आसान हो वो ज़रूर फैज़याब होने की कोशिश करें। अल्लाह की हुजूर दुआ के लिए गदायाना तौर पर हाथ फैलाएं। अल्लाह करीम, ये तेरी बारगाह में हाथ खड़े करते हैं, इन हाथों पर गुनाह के निशान नजर आते हैं, फिर शर्मिंदगी होती है।
बहुत। बहुत इल्तिजाओ इनके साथ, आजी के साथ तेरी बारगाह में तेरे महबूब का वसीला पेश करके हाजिर बारगाह हैं। अल्लाह करीम आज हमारे गुनाह न देखना, आज अपनी रहमत और रहमतुल आलमीन की तरफ अपनी निगाह करम करके हम सब के पिछले गुनाह माफ़ कर दे, हम सबको अपना मकबूल बंदा बना दे, अपने मकबूलीन की माइयत नसीब फरमा दे, सैयदुल कौनैन की गुलामी में पुख्तगी अता फरमा, उस मोहब्बत में साबित कदमी अता फरमा, इलाही जिन जिन की जो परेशानियां हैं आज दूर फरमा दे, सीने रोशन दिल मुनव्वर दिमाग रोशन रूह बेदार नफ्स मुतमईन अता फरमा दे, इलाही लंबे मीठे सजदे करने की तौफीक अता फरमा, दुनिया की हर नियामत से माला माल फरमा, आखिरत की हर अजमत अता फरमा, माइयत सैयदुल कौनैन और नबी पाक के मकबूल गुलामों की मैयत नसीब फरमा, इलाही जिन घरों में बीमारी है उसे शिफा अता फरमा, जहाँ को मुकदमे हैं परेशानियाँ हैं अल्लाह उन परेशानियों से कुल्लियतन निजात अता फरमा, जहाँ बे इत्तेफाकी है झगड़े हैं लड़ाई फसाद व इनाद हैं अल्लाह ताला दिलों को पाक करके फसाद व इनाद की फिजा ख़त्म फरमा, मेरे मोहब्बत की कैफियत अता फरमा, इलाहुल आलमीन मसाजिद की तरह पाकीज़ा माहौल हमें घरों में भी अता फरमा, इलाहुल आलमीन ये परेशानियाँ इनको सजदों का नूर अता फरमा, ये दिल इन्हें जलवों की तवश अता फरमा, मौला ज़ुल जलाल इस महफिल में जितने तशरीफ़ फरमा हैं सबकी दिली मुरादें पूरी फरमा, सबके घर हमेशा आबाद फरमा, सबके तमाम मकासद पूरे फरमा, ज़ाहिरी बातिनी ज़वाल व वबाल से निजात अता फरमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अब्रार व अहशुरना मअल अब्रार وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بحرمت سيد الأبرار يا رب العالمين ان میرے کرم فرما علماء کرام اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرما ان کے فیضان میں وسعت فرما انہیں دنی دینی دنیوی عظمتوں کا تاج ہمیشہ عطا فرمائے رکھنا پیر صاحب قبلہ کے لیے دعا فرمائے انہیں صبح قیامت تک خداوند تعالی پاکیزہ نورانی اور اسی طرح مہربانی سے آراستہ زندگی عطا فرمائے اور یہ تمام اہل اسلام کے سر پر یوں ہی فیض نبوت تقسیم کرنے میں اللہ انہیں مصروف رکھ اور ان کی صحت میں درجات میں عمر میں دربار کے سارے معاملات میں اللہ ساری رحمتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے اور ان کے مراتب روز بروز بلند سے بلند تر فرما تمام دوست جتنے بیٹھے ہیں میں پھر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا دنیا اور آخرت کی ہر مشکل آسان فرمائے اور اولادوں کے معاملہ میں خدا آپ کی عظمتیں اور آپ کی آبرو قائم رکھے اور آپ کی ہر مراد خدا پوری فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے نواز ہزاروی صاحب انہوں نے بہت اچھا درس دیا اور بہت اچھا اپنی فریضہ ادا کیا ہے اور علماء کرام میں آپ کا پھر ممنون ہوں کہ ہر قدم پر آپ نے اپنی شکریہ ہے اور خلفاء اور موریدین معتقدین تمام احباب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا میں جہاں بھی ہوا آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا منتظمین حضرات آپ اپنی خدمت کے لیے تیار ہو جائیں اور کھانا تیار کریں یہ آپ حضرات کی مرضی ہے کہ کھانا کھا کے نماز پڑھیں گے ابھی پڑھ لیں گے میرا تو خیال ہے اول تو عام و بات کلام نہیں ٹھیک جیسے آپ کی مرضی میں نے تھوڑے آپ کی چیزیں تسی حافظ آیات صاحب کو انہیں ڈر ہوئے کچھ نہیں آتے چلو پھر پہلے نماز پڑھ لیتے نماز کا وقت ہو نہیں گیا اذان ہوتی ہے جلدی جلدی نماز پڑھیں لمبے نوافل کی ضرورت نہیں وہ گھر جا کے پڑھنا بس نماز پڑھتے ہی حال میں تشریف لے جائیں असां या रसूल अल्लाह कहणा आए असां या रसूल अल्लाह कहणा आए असां या रसूल अल्लाह कहणा आए असां या रसूल अल्लाह कहणा आए
दुनिया दी नजरों बच बच के, दुनिया दी नजरों बच बच के कमली दी छावे बैणाए, असा या रसूल अल्लाह कहणाए। दुनिया दी नजरों बच बच के कमली दी छावे बैणाए, असा या रसूल अल्लाह कहणाए, असा या रसूल अल्लाह कहणाए, असा या रसूल अल्लाह कहणाए। आशिक जेड़े पाक नबी दे, आशिक जेड़े पाक नबी दे, जलवे वेखण रब्बे जली दे, जलवे